अमीर और गरीब बहनों की छठ पूजा। सुशांत, मुझे कुछ पैसे चाहिए। छठ पूजा का व्रत आ रहा है। मुझे नए कपड़े, सामग्री का सामान और भी बहुत कुछ लेकर आना है। नए बर्तन भी लाने हैं। अच्छा ठीक है, अलमारी में बहुत सारे पैसे रखे हैं। जितने चाहिए उतने ले लो। और सुनो, पैसे ध्यान से खर्च करना, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुशांत ऐसा कहने के बाद ऑफिस के लिए निकल जाता है और आराध्या अपने घर के सभी नौकरों को छठ पूजा के लिए घर की साफ सफाई करने के लिए बोल देती है, जिसके बाद वो अलमारी से पैसे लेकर बाजार निकल जाती है। बाजार से वो छठ पूजा का बहुत सारा सामान लेती है। रास्ते में उसकी बहन का घर पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा गरीब होती है। वो अपनी बहन को उसकी गरीबी के चलते जलील करने उसके घर पहुँच जाती है। अरे काफिया, क्या कर रही हो तुम? छठ पूजा का सामान नहीं लेकर आई? ये देखो, मैं कितनी सारी नई नई साड़ियाँ लेकर आई हूँ। कितनी सुंदर है ना। घर का सामान भी लेकर आई हूँ। ये नई नई बेडशीट, नए बर्तन लेकर आई हूँ। अरे तुम तो कुछ भी नहीं लेकर आई हो। अब छठ पूजा में भी पुराना सामान इस्तेमाल करोगी? क्या तुम्हें पता है ना, छठ माता नाराज हो जाती है छोटी सी भूल करने पर। आराध्या की बातें सुनने के बाद काव्या अपने मन ही मन सोचती है, ये कैसी बहन है मेरी। पहले तो इसने मेरी किस्मत का मुझसे सब कुछ छीन लिया। बचपन से मेरी चीजों पर अपना हक जमाती आई, और फिर एक दिन माँ पिताजी जो अमीर घराने का रिश्ता मेरे लिए लेकर आए, वो भी इसने मुझसे छीन लिया और मुझे ये गरीब घर मिल गया। इतना सब करने के बाद भी यहाँ मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने आ गई। अरे क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस यही कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है। अगर पैसे आ गए तो जो जरूरत का सामान होगा वो ले आऊंगी। अरे यार, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि तुम कितनी गरीब हो और मैं कितनी अमीर हूँ। मेरे लिए ये सब करना बहुत आसान है, तुम्हारे लिए बहुत कठिन होता होगा। चलो मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे और भी बाकी तैयारी करनी है। ऐसा कहने के बाद आराध्या वापस अपने घर लौट आती है। उसके जाने के बाद अखिल काम पर से वापस घर लौट आता है। उसके पास एक भी रुपया नहीं होता और घर में राशन भी खत्म हो चुका था, जिसके चलते काव्या उससे कहती है, अजी आप कुछ भी नहीं लेकर आए हो। छठ पूजा आ रही है, छठ पूजा का सामान भी आना था, नए बर्तन भी लाने थे, ये सब कैसे होगा? ऊपर से घर का राशन भी खत्म हो गया है। काव्या, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। काम सही से चल नहीं रहा और मालिक अभी पैसे दे नहीं रहा है। परेशानी तो बहुत ज्यादा चल रही है। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं एक सूप ले लेती हूँ और उसे छठ पूजा का दान मांग लूंगी। कोई ना कोई कुछ तो देगा। इसी के चलते मेरे पास छठ पूजा का सामान इकट्ठा हो जाएगा और फिर मैं छठ पूजा कर पाऊंगी। मैं तुम्हें क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर तुम्हें ऐसा ठीक लगता है तो ऐसा कर लो, मुझे माफ करना। मेरी गरीबी के चलते मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। अखिल को बहुत बुरा लगता है कि काव्या भी बहुत उदास होती है। अगले दिन वो कुछ अपने पास बचे हुए पैसों से एक लकड़ी का सूप ले लेती है और लेकर वो घर घर जाती है और छठ पूजा का दान मांगने लगती है। ए माई, दान दे दे माई, गरीब औरत तेरे घर पर आई है छठ पूजा का दान लेने, दान दे दे माई। काव्या ऐसे कहकर एक एक करके सभी के घर जाती है और दान मांगती है। ऐसे ही एक दो दिन तक वो दान मांगती रहती है। एक दिन वो बाजार में सूप लेकर खड़ी होती है, वहीं उसकी अमीर बहन आराध्या कार में कुछ जरूरी सामान लेने पहुंच जाती है, जहां आराध्या अपनी बहन को लकड़ी के सूप में दान मांगते हुए देख लेती है और बहुत ही घमंड के साथ उसके पास जाती है और कहती है, छी 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 छी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर दान मांग रही हो। अरे अगर इतनी ही जरूरत थी तो तुम मुझे बोल देती, मैं तुम्हें कुछ दान कर देती। एक ही बार में तुम्हें भरपूर दान मिल जाता। अरे इतना तुम्हें गरीबों में ही बांट देती हूँ। एक तो बचपन से तुम मेरा सब कुछ छीनती आई हो और ऊपर से अब मुझे उल्टे सीधे ताने सुना रही हो। अरे मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं दान मांग मांग कर अपना घर भरूं। अरे जिसने मुझे जितना दिया मैंने चुपचाप रख लिया। मुझे क्या बोल रही हो, ये तो तुम्हारी किस्मत है। मेरी किस्मत में तो अमीर परिवार लिखा था। खैर तुम्हें पता है मैं तो छठ पूजा के लिए हरिद्वार जा रही हूँ। अपनी छठ पूजा मैं वही करूंगी। तुम बेचारे इस छोटे से गांव में ही अपनी छठ पूजा करके गुजारा करोगी। खैर कोई बात नहीं, चलो अब मैं चलती हूँ। आराध्या ऐसा कहकर वहां से चली जाती है और उसके जाते ही काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता नहीं क्यों मेरी बहन हमेशा मेरी जिंदगी में मुझे ताने देने के लिए आ जाती है। आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। गरीब काव्या बेचारी अपने घर वापस आती है और जैसे तैसे जितना होता है उसी से गुजारा करती है। तो वहीं आराध्या अपने पति के साथ कार में हरिद्वार पहुंच जाती है।
जहाँ घाट पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। वो दोनों छठ पूजा करने के लिए घाट पर पहुँचते हैं। जैसे ही वो पानी के अंदर जाते हैं, आराध्या अपने पति से कहती है, जशांत पहले हमारी सेल्फी ले लो यार, उसके बाद हम छठ पूजा शुरू करेंगे। आखिर सबको दिखाना भी तो है स्टेटस पर फोटो लगाकर। आराध्या अपने पति के साथ पानी में खड़ी होती है। सुशांत अपना फोन निकालकर सेल्फी लेने लगता है, लेकिन तभी अचानक से पानी के बहाव से उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में ही गिर जाता है और बहते बहते पता नहीं कहाँ चला जाता है, जिसके चलते आराध्या रोते हुए अपने पति को पानी में यहाँ से वहाँ ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या अपने थोड़े पैसों में छठ पूजा बहुत ही रीति रिवाज के साथ तालाब के पानी में जाकर करती है और आराम से छठ पूजा करके वापस घर लौट आती है। ए छठ माता, इस बार तो जैसे तैसे हमने तुम्हारी पूजा कर दी, लेकिन अगले साल हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, जिससे हम आपकी पूजा अच्छे से कर सकें। काव्या बहुत खुश होती है। तो वहीं हरिद्वार से वापस लौटने के बाद आराध्या अपनी बहन काव्या के पास आती है और रोते हुए उसे कहती है, अरे बहन मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मैं तो छठ पूजा बनाने के लिए हरिद्वार गई थी, लेकिन वहाँ मेरे पति पानी में ही बह गए। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब तुम्हारी ही गलती है आराध्या, तुमने मुझे कितनी खरी खोटी सुनाई। मैं कैसे कैसे करके छठ पूजा के लिए तैयारी कर रही थी, तुमने उसमें भी मुझे बहुत अपमानित किया। शायद इसी के चलते छठ माता तुमसे नाराज हो गई और तुमसे तुम्हारा पति छीन लिया। अब तुम दोबारा जाओ हरिद्वार और वहीं पर दोबारा से छठ माता की अच्छे से पूजा पाठ करो और उनसे माफी मांगकर अपने पति को मांगो, शायद छठ माता तुम्हें तुम्हारा पति वापस लौटा दें। अपनी बहन के कहने पर आराध्या वापस हरिद्वार जाती है और अगले दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने से पहले वो पूरी रात भर पानी में ही खड़ी रहती है। सूरज निकलने से पहले मैं पूरी रात यहाँ पानी में ही खड़ी रहूंगी, छठ माता से माफी मांगने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, मुझे मेरा पति वापस चाहिए। आराध्या पूरी रात आधा पानी में भीगते हुए खड़ी रहती है। जैसे ही सुबह सूरज की पहली किरण निकलती है, वो उगते हुए सूरज को अर्घ्य देती है और पूजा संपन्न करके बाहर आती है। वो बाहर निकलती है कि अपने पति के लिए रोने लगती है, छठ माता मुझे मेरा पति वापस लौटा दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आराध्या के इतना कहते ही पानी में तैरते हुए उसका पति पानी से बाहर आता है, जिसके चलते आराध्या उसे फौरन गले से लगा लेती है। छठ माता की जय हो, उन्होंने मुझे माफ कर दिया और तुम्हें वापस मेरे पास भेज दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है। वैसे हुआ क्या था, कुछ समझ नहीं आया। जो हुआ उसे भूल जाइए, बस ये समझ लीजिए मैंने बड़ी मिन्नतों के बाद आपको पाया है। उस दिन के बाद से आराध्या को छठ माता की शक्ति के बारे में समझ आ जाता है और वो फिर कभी किसी का अपमान नहीं करती। वहां से वापस आते ही वो सबसे पहले अपनी बहन काव्या से अपनी किए गई गलतियों की माफी मांगती है और उसकी गरीबी को मिटाने के लिए उसकी बहुत मदद करती है, जिसके बाद वो अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और अगले साल से वो धूमधाम ढोल नगाड़ा के साथ वो छठ माई की पूजा अपनी बहन के साथ अच्छे से करती है। गरीब दर्जी सहेली ने बनाया दो अमीर सहेलियों के लिए ब्राइडल लहंगा। गरीब सुमन अपने छोटे से घर में जमीन पर बैठी हाथ सिलाई मशीन पर कपड़े सी रही होती है, तभी उसकी सास जानकी कहती है, सुमन बहू अब रहने भी दे, एक सुबह से भूखे प्यासे कपड़े सी रही है, दोपहर हो गई है अब थोड़ा खाना भी खा ले। खा लूंगी माँ जी, बस एक बार इस ब्लाउज की तुरपाई निपटा लूं। ये रोमा जी का ब्लाउज है, आप तो जानती हैं मुझ गरीब दर्जी बहू को गिने चुने लोग ही कपड़े सीने को देते हैं, अगर ब्लाउज वक्त से नहीं दिया तो वो आगे किसी और से कपड़े ना सिलवाने लगे। इसी के साथ सुमन फिर से कपड़े सीने लगती है। हे राम, एक तो इस बुढ़ापे में जोड़ों का दर्द कमर दर्द साथ नहीं छोड़ रहा, ऊपर से अब सर भी दर्द के मारे फटा जा रहा है। माँ जी आप आराम कीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। सुमन कपड़े सिलना छोड़कर चूल्हे पर लाल चाय बनाने लगती है। डब्बे में चीनी तो है ही नहीं, बिना पैसे के बनिया तो चीनी देने से रहा, एक काम करती हूँ पड़ोस में जो नया परिवार रहने आया है उनसे थोड़ी चीनी मांग ले आती हूँ। सुमन कटोरी लिए बंगले में आकर दरवाजे पर ही खड़ी होकर अंदर सोफे पर बैठी दिव्या और कीर्ति को देखकर बोलती है, सुनिए थोड़ी चीनी मिलेगी,
मेरा नाम सुमन है, मैं आपके पड़ोस में रहती हूं। हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूं। ये लो चीनी। पता है सुमन, ये जगह ना हमारे लिए एकदम नई है। क्या तुम हमारी सहेली बनोगी? ये सुनकर गरीब दर्जी बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे सुमन, तुम्हारी आंखों में आंसू? आज तक मुझ गरीब दर्जी बहू की कोई सहेली नहीं बनी, और आप दोनों तो इतनी अमीर हैं। इतने में उनकी अमीर घमंडी माँ माया आ जाती है। माँ, इससे मिलो, ये सुमन है, हमारी सहेली। कीर्ति, दिव्या, दोस्ती बराबरी वालों में होती है। गरीबों को ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। और तुम मेरे घर में मुफ्त का कुछ नहीं बट रहा है, जो फ्री फंड का लेने चली आई। अब खड़ी क्या हो, जाओ यहां से। माया की गई बेइज्जती के साथ सुमन घर लौट आती है। अगले दिन दोनों सहेलियां उसके घर आती हैं। जी, दर्जी सुमन यही रहती है क्या? जी हाँ, मैं उनका पति हूँ, अंदर आ जाइए। अपनी दोनों अमीर सहेलियों को अपने छोटे से घर में देखकर सुमन कपड़े सीना छोड़कर उठ खड़ी होकर कोने में रखी धूल खा रही पुरानी कुर्सी को साफ करके उन्हें बिठाती है। कीर्ति, दिव्या, बैठो ना। सुमन, माँ के बर्ताव के लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। मैं जानती हूँ उनकी बातों से तुम्हारे दिल पर बहुत ठेस पहुंची है। कोई बात नहीं, गलती उनकी भी नहीं, वो अपनी जगह ठीक है। कहां मैं गरीब दर्जी, कहां तुम दोनों अमीर। सुमन, दोस्ती अमीरी गरीबी देखकर नहीं होती, तुम हमारी सहेली और हमेशा रहोगी। इसी तरह से वक्त बीतता है। कीर्ति और दिव्या उस गरीब दर्जी बहू की पक्की सहेलियां बन जाती हैं। सुमन, ये लो, मेरी इस महीने की दिहाड़ी मिल गई है। माँ जी, आज रोमा जी ने भी मुझे ब्लाउज की सिलाई दी है। मैं सोच रही थी कि कीर्ति और दिव्या के लिए पनीर पिज्जा बनाऊं। उन दोनों को ये बहुत पसंद है, और हर बार वही दोनों अपने पैसों से मुझे मेरी मनपसंद की चीज खिलाती हैं। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा। सुमन बड़ी खुशी से बाजार से पनीर लाकर मिट्टी के चूल्हे का धुआं झेलकर पिज्जा बनाकर उन्हें खिलाती है। नमस्ते आंटी जी, एक बार दिव्या और कीर्ति को बुला देंगी, मैंने उनके लिए पिज्जा बनाया है। दिखा दी ना औकात, मेरी बेटियां तुम पर इतना खर्च करती हैं और तुम उनके लिए दो कौड़ी का गरीबों वाला पिज्जा बनाकर लाई हो। खैर, तुम जैसी गरीब दर्जी से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अमीरी के घमंड में माया बेचारी उस गरीब दर्जी बहू की बहुत बेइज्जती करती है, जिससे उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। तभी सुमन पिज्जा लेकर जाने लगती है। रुको सुमन, तुम जा रही हो, अपनी सहेलियों को पिज्जा तो खिलाओ। अब देख क्या रही हो हमारी प्यारी दर्जी बहू, खिलाओ। सुमन दोनों को अपने हाथों से पिज्जा खिलाती है। ये देखकर माया जल भून जाती है और थोड़े ही दिनों में उन दोनों का रिश्ता एक अमीर खानदान देखकर पक्का कर देती है। कीर्ति, दिव्या, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी का ब्राइडल लहंगा देखने जाना है। थोड़ी देर में माया अपनी दोनों बेटियों को लेकर सबसे महंगे हाई फाई मॉल में लेके जाती है। कीर्ति, दिव्या, ये देखो, ये ब्राइडल लहंगा कितना एथनिक लग रहा है। नहीं माँ, ये ब्राइडल लहंगा जरा भी अच्छा नहीं, एकदम बकवास है। मुझे लगता है हमें जैसा ब्राइडल लहंगा चाहिए वो इस मॉल में नहीं। ये ब्राइडल लहंगा इस मॉल का सबसे महंगा लहंगा है, इतना एथनिक पीस भी तुम दोनों को पसंद नहीं आ रहा। माँ, हम दोनों को जैसे ब्राइडल लहंगे चाहिए वो सिर्फ हमारी दर्जी सहेली ही सी सकती है। इस पर माया चिढ़कर कहती है, तुम दोनों की टेस्ट को हो क्या गया है? तुम अपनी शादी पर दो कौड़ी की दर्जी का बनाया ब्राइडल लहंगा पहनकर अपनी माँ की बेइज्जती करवाओगी। यहीं देखो, यहाँ एक से एक ब्रांडेड ब्राइडल लहंगे हैं। दोनों बहनें बहुत से ब्राइडल लहंगे देखती हैं, मगर उन्हें कुछ पसंद नहीं आता। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अब शादी का दिन बेहद पास आ जाता है। दोनों शादी का कार्ड देने अपने गरीब दर्जी सहेली के घर आती हैं। सुमन, ये लो हमारी शादी का कार्ड, तुम्हें जीजा जी को और माँ जी को आना है। शादी की बहुत बहुत बधाई हो मेरी प्यारी सहेलियों। अरे क्या बात है, तुम दोनों के चेहरे पर खुशी की जगह उदासी क्यों छाई हुई है? देखो ना सुमन, हमने कई मॉल, शोरूम, हर जगह देख लिया, मगर हम जैसा ब्राइडल लहंगा अपनी शादी पर पहनना चाहते हैं वो कहीं भी नहीं है। शादी के जोड़े को लेकर हम दोनों के बहुत से सपने थे। खैर, आज शाम को हल्दी मेहंदी है, आ जाना। दोनों सहेलियां वहां से चली जाती हैं। दिव्या, तुमने बोला क्यों नहीं? क्या बोलती, सुमन पहले ही कितनी गरीबी झेल रही है, बेचारी दिन रात कपड़े सिलती है, तब बड़ी मुश्किल से थोड़े पैसे कमाती है, और तुम तो जानती हो वो हमसे पैसे नहीं लेती, बस इसलिए। क्या सोच रही हो सुमन बहू? माँ जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपने दोनों सहेलियों का ब्राइडल लहंगा मैं सिल कर दूं,
वैसे भी इसके अलावा मैं गरीब दर्जी बहू उन्हें कोई दूसरा महंगा तोहफा तो दे ही नहीं सकती। मगर बहू, ब्राइडल लहंगा बनाने में जो कपड़ा, गोटे, मोटी लेस लगेगा वो कहाँ से लाएगी? माँ जी, मैंने गुल्लक में जो थोड़े पैसे जोड़े हैं उससे ले आऊंगी। मगर बहू, तूने पाई पाई जोड़कर वो पैसे पैर वाली सिलाई मशीन खरीदने के लिए जोड़े थे, भूल गई? सिलाई मशीन मैं फिर कभी ले लूंगी। उसी शाम सुमन ब्राइडल लहंगा बनाने का सामान लेकर घर आती है और अगले दिन से लहंगा बनाना शुरू कर देती है। मेरे पास बस आज का ही दिन है, मुझे आज भर में ही दोनों ब्राइडल लहंगे बनाने होंगे। सुमन सुबह से ही भूखी प्यासी सिलाई मशीन पर बैठी बैठी ब्राइडल लहंगा बनाने में लगी होती है और दिन भर में एक लहंगा बना लेती है। सुमन बहू, अब सो जा, जाके देख कितना थक गई है तू। माँ जी, आप सो जाइए, मैं ठीक हूँ। उस गरीबी में भी वह गरीब दर्जी बहू रात भर जागकर लालटेन की धीमी रोशनी में दूसरा लहंगा बनाती है और गोटे, मोतियों और जड़ी से उस पर दूल्हा दुल्हन भी बनाती है और शादी के दिन दोनों ब्राइडल लहंगा अपनी अमीर सहेलियों को देती है। कीर्ति, दिव्या, ये लो, ये तुम्हारी गरीब दर्जी सहेली की तरफ से तुम्हारी शादी का छोटा सा उपहार। सुमन, इसमें क्या है? खुद ही खोलकर देख लो। जरूर किसी फुटपाथ से कोई सस्ती सी साड़ी या सूट खरीद कर इस महंगे से शॉपिंग बैग में डाल दिया है। ये गरीब दर्जी और दे भी क्या सकती है। माँ प्लीज, आज नहीं, चाहे इसमें कुछ भी हो माँ, मगर ये तोहफा हमारे लिए सबसे खास होगा क्योंकि तोहफे की कीमत देने वाले के दिल से होती है। जैसे ही दोनों बॉक्स खोलती हैं तो उसमें ब्राइडल लहंगा देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वाओ सुमन, ये ब्राइडल लहंगा बिल्कुल वैसा है जैसा कि हमें चाहिए था, मगर तुमने इसे बनाया है। हाँ, ये ब्राइडल लहंगा मैंने तुम दोनों के लिए बनाया है, वो भी रात भर जाग कर। देखा माँ, ये होती है गरीबों से की गई दोस्ती, और दोस्त वो होता है जो बिना बताए ही अपने दोस्त की दिल की बात को समझे। ये सुनकर माया खुद पर बड़ी शर्मिंदा होती है। आई एम सॉरी सुमन, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी गरीबी के साथ तुम्हारे हुनर को दुत्कारती रही, मगर आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटियों के चेहरे पर इतनी खुशी है। कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद सुमन की दोनों सहेली उस गरीब दर्जी बहू का बना ब्राइडल लहंगा पहनकर रेडी होती हैं और सुमन उन्हें शादी के मंडप में लाती है, जहां बड़ी धूमधाम से उनकी शादी होती है और विदाई के वक्त कीर्ति और दिव्या भराई आंखों से कहती हैं, सुमन हम दोनों जा रहे हैं, मगर तुम ये मत समझना कि हमारी दोस्ती यहीं खत्म हो गई, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। हाँ मेरी प्यारी सहेलियों, जाओ, भगवान करे तुम दोनों को दुनिया की सारी खुशियां मिले। आखिर में उस गरीब दर्जी बहू की दोनों अमीर सहेलियां विदा हो जाती हैं और ब्राइडल लहंगा बनाने के बाद उसे बहुत से कपड़े और लहंगे बनाने का काम मिलने लगता है।